जो उड़ना है तुझे ऊंचा, परों को खोल के रख, कसौटी वक्त की है, हौसलों को तोल के रख। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आप सभी को विशा कॉम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूँ। आपकी करेंट क्लासेज में आज जून 1 वीकली करेंट अफेयर्स है, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करेंगे। और आज के जो थंबनेल पे आपको दिख रहा है, बहुत दर्दनाक घटना ओडिशा के बालासोर में घटी, जो कि देश को झंझोर कर रख दिया। बहुत भयानक घटना, 21वीं शताब्दी की अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना ओडिशा में देखने के लिए मिला। इसमें बहुत लोगों ने अपनों को खो दिया, तो एक बहुत बड़ी घटना है। 3 ट्रेन आपस में टकराई और बहुत लोग, लगभग 300+ लोगों की जो है जाने जा चुकी है सरकारी डाटा के अनुसार, लेकिन अभी मौतों की संख्या और बढ़ सकती है और बहुत लोग घायल हुए हैं। और इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, आप सभी ध्यान से फॉलो करें और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो वीकली करेंट हैं उसे भी आज के क्लास में देखेंगे। तो डेली आप लोग अगर क्लास को फॉलो किए होंगे तो ये सीरीज आपके लिए काफ़ी आसान होगा, आप सभी एक बार रिकॉल कर लें। तो शुरू करते हैं, सबसे पहला जो है वो आज का घटना से ही हम देखेंगे, ओडिशा के बालासोर में जो घटना घटी, एक बहुत भयानक घटना थी। और जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर स्थिति ये था कि 1 जून को शाम 7 बजे शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस के कई डिब्बे बालासोर जिले के बाहानगर स्टेशन के पास में पटरी से उतर गई। एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए और इसके कई डिब्बे विपरीत ट्रैक पर आ गए। मतलब कि शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस, जो कि कोरोमंडल चेन्नई जा रही थी एक्सप्रेस, और यह जो है वो ट्रेन कह रहा है कि इसके डिब्बे जो है वो बालासोर ज़िले के बाहानगर स्टेशन के पास में पटरी से उतर गई थी और एक खड़ी मालगाड़ी से टकरा गए और इसके कई डिब्बे विपरीत ट्रैक पर आ गए। एक अन्य भी ट्रेन थे जो कि यशवंतपुर से हावड़ा जा रही थी, ये हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस के नाम से जानी जाती है, यह पलटी हुई बोगियों से टकरा गई। मतलब कि जो बोगी जो है वो उतर गई थी, पलटी हुई थी, तो उसी पे जो है, जो कि आपका हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस आ रही थी, उसी पर जो है वो टकरा गई, पलटी हुई बोगियों से टकरा गई, जिसके वजह से वो भी क्षतिग्रस्त हो गई और एक ट्रेन जो है जाके मालगाड़ी पे चढ़ गई। तो इस तरह से यहाँ पे 2 पैसेंजर एक्सप्रेस ट्रेन थी और एक मालगाड़ी ट्रेन, तीनों में ज़बरदस्त टक्कर हुई और इसके पश्चात जो है वो बहुत भयानक घटना देखने के लिए मिला। बहुत लोग, लगभग 300 से अधिक लोग जो है वो अभी अपने जान गंवा चुके हैं, कई डिब्बे जो है चकनाचूर हो गया। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट ध्यान रखेंगे, कहाँ पर घटना घटी, तो बालासोर ज़िले के बहानगर स्टेशन के पास एक घटना घटी है। आपको सारे पॉइंट को ध्यान रखना है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आप देख सकते हैं कैसे यहाँ पर जो है वो ट्रेन की स्थिति हुई और अभी प्रधानमंत्री मोदी स्वयं जो है इसका जायज़ा लेने ओडिशा के बालासोर पहुँचे और अब इसका जिम्मेवारी कौन लेता है, एक बहुत बड़ा विषय है। आखिर जो है इतनी बड़ी घटना कैसे हो सकती है देश के अंदर, आखिर इसका वजह क्या होगा, इस पर इंक्वायरी होगी। आखिर जो है वो एक ट्रेन पलटी हुई थी और एक ट्रेन पलटने के बाद भी दूसरी ट्रेन को नहीं रोका गया, वो भी जो है उसी लाइन से आ रही थी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जैसे ये ट्रेन जो है वो बालासोर ज़िले में जो है अगर देखा जाए तो 2 मेन रूट होता है, एक अप एक डाउन होता है, लेकिन देखिएगा कि स्टेशन के पास लूप लाइन रहता है, ऐसे आपका लूप लाइन दिखेगा। तो ये ट्रेन जो है लूप लाइन से ही जा रही थी, लेकिन लूप लाइन पे ही जो है वो मालगाड़ी ट्रेन लगी हुई थी और उसी पर ये ट्रेन जो है काफ़ी स्पीड में थी और वो चढ़ गई, जिसके वजह से जो है कई बोगी जो है वो पटरी से नीचे आ गई। और इतना तो होने के बाद भी जो है अगर देखा जाए तो एक ट्रेन इधर से आ रही थी, उसको भी पीछे नहीं रोका गया, बल्कि ये आते हुए जो है वो
पलटी हुई बोगियों से टकराने की वजह से ये भी ट्रेन क्षतिग्रस्त हो गई। तो ये काफ़ी जो है वो चिंता का विषय और काफ़ी सोचने का विषय है कि आखिर इतना बड़ा घटना कैसे हो जा रहा है, जब जो है हर तरह से जो है वो रेलवे सुरक्षित है, फिर भी जो है इतना बड़ा चूक आखिर किससे हुआ। तो एक बहुत बड़ी घटना है, इस पर जो है वो काफ़ी विश्लेषण हो रहा है, बहुत लोग जो है अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं, लेकिन जो है वो आखिर जिसका परिवार चला गया तो वो तो काफ़ी चिंता का बात है। तो लेकिन जो है वो मेरे तरफ से जिनके भी परिवार गए उनकी वो भगवान आत्मा के शांति दें और जो है सभी परिवार जो है वो सुखी रहें। आखिर इस वक्त क्या किया जा सकता है, क्योंकि यह बहुत बड़ी घटना है, देखने के बाद जो है वो काफ़ी जो है मन भावुक हो जा रहा है इस तरह की घटना से। और सबसे बड़ी बात है कि 21वीं शताब्दी का सबसे बड़ा ट्रेन दुर्घटना इसे माना जाएगा, क्योंकि तीन ट्रेन आपस में टकराई है। तो इस तरह से आप सारे पॉइंट इसको ध्यान रखेंगे और आइए कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को और देखेंगे। तो हम लोग देखे थे एक पॉइंट और आईपीएल से रिलेटेड पिछले सप्ताह में, तो उसे भी आप सभी इसे देख लेंगे, क्योंकि सारा पॉइंट को आपको मैं यहाँ पर जिक्र कर दिया हूँ। आप इसे पॉज करके आप सारे पॉइंट को देखेंगे, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया। सीएसके ने जो है 5वीं बार आईपीएल विजेता बना और उप विजेता गुजरात टाइटंस रहा। सीएसके का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और गुजरात के हार्दिक पांड्या थे। जो भी महत्वपूर्ण जो है वो आपके वे पुरस्कार थे वो सब इसमें दर्शा गया है, आप सभी इसे जो है वो अच्छा से कर लेंगे। टोटल आपका पॉइंट दिया हुआ है, टोटल पॉइंट को आप पॉज करके पढ़ें ताकि आपका पूरा क्लियर हो सके। और आइए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और देखते हैं कि अहमदाबाद में एक भौतिक अनुसंधान में हम देखे थे कि प्रोफेसर अभिजीत चक्रवर्ती के द्वारा जो है एक बृहस्पति से भी 13 गुना बड़े ग्रह जिसका नाम 4603 था, इसका खोज किया था, जो कि HD 245134 तारे का परिक्रमा कर रहा था। और यह ग्रह पृथ्वी से 731 प्रकाश वर्ष दूर था और साथ साथ यह जो है 7.24 दिनों में तारों का परिक्रमा करता है। ये सारे पॉइंट आप देख लेंगे। अगला पॉइंट है, एक आप ऐड करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपके लिए, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये हालांकि अहमदाबाद के भौतिक में ये भी ध्यान रखेंगे कि भारत, जर्मनी और स्विट्जरलैंड, ये तीनों देश के सहयोग से हुआ। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे मौसम विज्ञान संगठन से, जो कि तीन उपाध्यक्ष में जो है अगर देखा जाए तो इसमें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के जो महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र थे, इनको भी एक उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया किसमें, तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन के तीन उपाध्यक्षों में। और साथ साथ इसका अध्यक्ष अभी अब्दुल्ला अल मंदौस को चुना गया, जो कि यूएई के ही हैं, इस पॉइंट को भी ध्यान रखेंगे। साथ साथ महासचिव सेलेस्ते साउलो को चुना गया, जो कि अर्जेंटीना के हैं। और अगर हम बात करें WMO की, यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की, तो इसकी स्थापना 1950 में हुआ था और मुख्यालय इसका जनेवा में है। तो ये सारे पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक नोट्स और है, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। अभी जो है वो नेपाल के प्रधानमंत्री जो है वो प्रचंड आए हुए थे भारत दौरा पर, और इस बीच जो है वो भारत और नेपाल के बीच कुछ समझौता हुआ, जिसमें आप देखेंगे कि नेपाल में बिजली और जल परिवहन पर करार हुआ। नेपाली समक्ष प्रचंड के बीच कई समझौते हुए, बथनाहा से नेपाल मालगाड़ी को वर्चुअल हरी झंडी दिखाई, रामायण सर्किट की परियोजना को तेजी लाने की फैसला हुआ, बहराइच से इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का उद्घाटन किया, 10 मेगावाट बिजली पड़ोसी देश से खरीदेगा भारत, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे भारत और नेपाल के बीच का समझौता का। एक नोट और है आपके लिए कि जो है अगर देखा जाए तो वैज्ञानिकों ने धरती से दूसरा चंद्रमा खोजा है, 15 मीटर नए चंद्रमा का आकार है, 3700 ईस्वी तक अपनी कक्षा में चक्कर लगाने का अनुमान है, 1.4 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से दूर मौजूद है, पृथ्वी के बराबर समय से सूरज की परिक्रमा कर रहा है। खगोलविदों ने अंतरिक्ष में पृथ्वी के दूसरा चंद्रमा खोजा है, यह असल में एक उल्का पिंड है, ध्यान रखेंगे, जिसकी 2023 FW13 के रूप में पहचान की गई। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, 2023 FW13 के रूप में इसे पहचान किया गया है, इसे अर्ध चंद्रमा नाम दिया गया है, ये भी पॉइंट ध्यान रखना है, इसे अर्ध चंद्रमा नाम दिया गया है। इसका आकार 15 मीटर है और पृथ्वी से करीब 1.4 करोड़ किलोमीटर दूर मौजूद है। तो ये पॉइंट आप इतना ध्यान रखेंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टि से आप ध्यान रखना है।
एक पॉइंट और महत्वपूर्ण है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे आपको ध्यान रखना है। अभी बिहार में 45% लोग आज भी संचार सेवा से मशरूम है। अभी एक रिपोर्ट जो है टाई के द्वारा पेश किया गया, कह रहा है कि टाई ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी किया और इस रिपोर्ट में इसने बताया कि बिहार दूर संचार घनत्व में सबसे नीचे है। तो ध्यान रखेंगे दूर संचार में बिहार सबसे नीचे है और दिल्ली सबसे शीर्ष पे है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो फ़ोन कनेक्शन की संख्या में तो बिहार की दूर संचार घनत्व कितना है तो 55.23%, वही दिल्ली का 273.67 है, तो काफ़ी जो है अधिक है दिल्ली का और वही बिहार का काफ़ी कम है। इतना बड़ा अंतर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से वही अगर हम बात करें कि दूर संचार घनत्व के मामले में तो देश का राष्ट्रीय औसत कितना है तो 84.51 दर्ज किया गया है पूरे भारत का जो है वही घनत्व। दूर संचार घनत्व के मामले में बिहार भले ही दिल्ली की तुलना में नीचे, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नंबर पोर्टिंग अनुरोध मामला में बिहार दिल्ली से आगे है। तो हम लोग जो है वो नंबर पोर्टिंग में आगे हैं क्योंकि जो है रिचार्ज करने से बेहतर जो है हम लोग पोर्टिंग करना बेहतर समझते हैं। तो इस तरह से इसमें दिल्ली से बिहार आगे है। अगर देखा जाए, कह रहा है कि फरवरी में 42.49 मिलियन नंबर पोर्टिंग अनुरोध दर्ज किया गया, वही मार्च में 43.29 मिलियन पोर्टिंग अनुरोध किया गया। तो आप देख सकते हैं कि अनुरोध पोर्टिंग में बिहार केरल और हिमाचल प्रदेश से भी आगे है। तो हम पोर्टिंग में जो है वो काफ़ी आगे हैं। इस पीछे होने का क्या कारण है तो मोबाइल टावरों की कमी है। तो बहुत बड़ा कारण है कि हम लोग जो है वो छत पर चढ़ते हैं मोबाइल के नेटवर्क के लिए, तो एक बहुत बड़ा कारण है पीछे रहने का। साथ साथ जो है फ़ोन सेवाओं से वंचित रहने का भी बड़ा कारण है कि राज्यभर में मोबाइल टावरों की कुल संख्या 45,000 के करीब है, तो एक बहुत बड़ा कारण है। सबसे कम दर जो है लेकर जो है संजय कुमार जो कि सचिव है NFTT बिहार सर्किट के, उन्होंने बताया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रिपोर्ट में बिहार का कितना है, सेकंड पे उत्तर प्रदेश और थर्ड पे मध्य प्रदेश। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। सबसे अधिक जो है वो दिल्ली का देखें, 11 राज्य राष्ट्रीय औसत से ऊपर है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा कौन है तो जम्मू कश्मीर। अभी हम देखें कि राष्ट्रीय औसत कितना है तो 84.51, लेकिन राष्ट्रीय औसत से भी अधिक जम्मू कश्मीर का जो है वो है जो कि 88.94। तो 11 राज्य ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय औसत से भी अधिक यहाँ पर जो है वो संचार सेवाएँ हैं। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे तो राष्ट्रीय औसत कितना है तो 84.51 है और 8 राज्य राष्ट्रीय औसत से नीचे है, जिसमें सबसे नीचे अपना बिहार है। ये सारा पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से अब मोबाइल खरीद के जो है वो बढ़ाना होगा, तभी बिहार का रैंक जो है वो काफ़ी आगे रहेगा। तो ऐसा नहीं है, आप सभी जो है करते रहें, एक दिन आएगा कि जो है बिहार नंबर वन होगा। आइए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति हुआ, ये कौन बने हैं? तो सतर्कता आयुक्त के जो है वो शपथ कौन लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। डायरेक्ट आंसर करवा दे रहे हैं क्योंकि सारा क्वेश्चन पीछे डेली करेंट अफेयर्स में कराया गया है, बस आप सभी इसे एक बार रिकॉल कर लें। क्वेश्चन है कि रेचप तैयब एर्दोगान किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, तुर्की। तीन नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय शटलर ने मलेशिया मास्टर 2023 का खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, HH प्रणय। अगला क्वेश्चन है चार नंबर कि हाल ही में मोनाको ग्रैंड प्रिक्स टाइटल 2023 किसने जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, एक नंबर, मैक्स वेरस्टैपेन। क्वेश्चन नंबर फाइव है कि हाल ही में जस्टिस संजय विजय कुमार गंगापुर वाला किस उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस बने? तो इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर, मद्रास। अगला क्वेश्चन है हाल ही में इसरो ने दूसरी पीढ़ी के नेविगेशन सैटेलाइट NVS-1 को कहां से लॉन्च किया? तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेवन नंबर, हाल ही में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बाहरी ऑडिटर के रूप में किसे नामित किया है? तो इसका आंसर होगा कैग गिरीशचंद्र मुर्मू को। क्वेश्चन नंबर एट है कि हाल ही में किस राज्य ने 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीता? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, ओडिशा ने झारखंड को हराकर जीता है। क्वेश्चन नंबर नाइन है कि हाल ही में RBI ने किस बैंक पर फ्रॉड रिपोर्टिंग नॉर्म्स का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया? तो इसका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे, एक नंबर, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है दस नंबर कि हाल ही में किस देश के राजा नोरोडम सिहामोनी भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर आए हुए हैं? तो इसका आंसर एक नंबर, कंबोडिया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर की हाल ही में विश्व तंबाकू निषेध दिवस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका थीम है हमें भोजन की आवश्यकता है तंबाकू की नहीं, तो ये 31 मई को मनाया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है
कि हाल ही में जस्टिस MS रामचंद्र राव किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, रामचंद्र राव। अगला क्वेश्चन है, 13 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य सरकार ने स्माइल एम्बेसडर के रूप में सचिन तेंदुलकर को नामित किया है, तो इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा इन्हें नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में 4 जुलाई को किसकी अध्यक्षता में 22वें SCO शिखर सम्मेलन का मेजबानी भारत करेगा, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी वर्चुअली इसका उद्घाटन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है कि G20 एनर्जी ट्रांजिशन मिनिस्ट्रियल के साथ 14वीं क्लीन एनर्जी बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा में, डी नंबर, जिसका थीम है एडवांसिंग क्लीन एनर्जी टुगेदर। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, हाल ही में केंद्रीय सांख्यिकी मंत्रालय के अनुसार भारत का GDP विकास दर 2022-23 में क्या रही, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा 7.2% बी नंबर। अगला क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया हाल ही में 1 जून को, जो कि थीम है इंजॉय डेयरी, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया जो कि कुल का 23% उत्पादन कर रहा है। 2022 में भारत 221 मिलियन टन दुग्ध का उत्पादन किया। भारत में प्रति व्यक्ति दूध का खपत भी बढ़ा है, 444 ग्राम प्रति व्यक्ति दूध का खपत हुआ। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है और श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ये सारा पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि हाल ही में मोहाली के 7 साल के सनावी सूद ने कॉस्यूस्को का फतह किया है, पर्वत कहाँ स्थित है, तो कॉस्यूस्को ध्यान रखना है ऑस्ट्रेलिया में है और इसे जो है वो सनावी सूद ने फतह किया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में अश्वनी कुमार को कौन से बैंक में MD और CEO नियुक्त किया गया, तो अश्वनी कुमार को यूको बैंक का MD और CEO नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन गाजियाबाद में कौन सा मंत्रालय किया, तो इसका आंसर सी नंबर होगा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मंत्रालय, जो कि मनसुख मंडाविया इसके वर्तमान में मंत्री हैं, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में टर्बो UPI सर्विस लॉन्च किया है, तो टर्बो जो है वो UPI सर्विस है और इसे लॉन्च अभी हाल ही में रेजरप्पे ने किया है, आपको ध्यान रखना है। 22 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस एथलीट ने टीम मीटिंग 2023 एथलेटिक्स मीट के बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, ज्योति एराजी बाधा दौड़ इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह ने किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिए हैं, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान उच्च न्यायालय, बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में किस रेलवे जोन ने शहीदों के नाम पर ट्रेनों के इंजनों का नामकरण किया, जो कि 26/11 मुंबई हमलों में शहीद हुए मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के नाम पर लिखा गया है, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर उत्तर रेलवे, जिसका मुख्यालय दिल्ली है, ये पॉइंट ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में शिक्षक छात्र की मौजूदगी की निगरानी हेतु ई शिक्षा कोष पोर्टल किसने विकसित किया, तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बिहार सरकार के द्वारा इसे विकसित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में लेखक दामोदर मौजो को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया 57वां, इस ये जो है वो कहाँ किस कहाँ पे प्रदान किया गया, तो ध्यान रखेंगे गोवा में जो है पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इसे ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है 27, हाल ही में भारत ने किसे हराकर पुरुष हॉकी जूनियर एशिया कप का खिताब जीता, तो अभी भारत जो है वो जूनियर हॉकी एशिया कप का खिताब किसे हराकर जीता, तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान, आप ध्यान रखेंगे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कि जो है पाकिस्तान के द्वारा जो है देखा जाए तो पाकिस्तान को हराकर भारत जो है वो जूनियर एशिया कप का खिताब हासिल किया है, ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे, भारत ने पाकिस्तान को हराकर यह जीत दर्ज किया है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि तेलंगाना की स्थापना दिवस मनाया गया,
तो अभी हाल ही में तेलंगाना के स्थापना दिवस जो है वो 2 जून को मनाया गया है, ध्यान रखेंगे 2 जून 2014 को तेलंगाना की स्थापना हुई थी, तो 2 जून को तेलंगाना अपना स्थापना दिवस मनाया है, ध्यान रखेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लास्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया, तो इसका सफल परीक्षण कहाँ से किया गया, तो इसका आंसर ध्यान रखेंगे हो जाएगा APJ अब्दुल कलाम द्वीप ओडिशा से किया गया है। ये सारे पॉइंट को ध्यान रखेंगे। तो आज यहीं तक, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज था आपके लिए, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट देखे, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखे, और साथ साथ जो है जो पिछले एक सप्ताह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसे भी देखे। तो आप सभी इसे 2-4 बार देखें ताकि आपका रिकॉल हो, और पीछे जितने भी वीकली करेंट अफेयर्स क्लास है जब भी आपको फुर्सत मिले उसे रिकॉल करें ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। तो अभी यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।